पे गिफ्ट आया जस्ट अभी, लेकिन किसने भिजवाया कुछ पता नहीं है अमेज़न से। ये क्या, ये क्या चीज़ अभी, ये भी गिफ्ट आएगा, किसी ने हैंगर वैंगर करी हुई था, ये भी गिफ्ट आएगा, ये मैंने मंगवाया है। अच्छा ये किसने मंगवाया था, खोल के देखते हैं यार ये गिफ्ट है क्या है, मेरे को पता नहीं गिफ्ट है यार। मैंने यही ऑर्डर किया था, पता नहीं दो चीजें आई हैं। ये क्या है, तुम्हारे मतलब का नहीं है तो पर्स है इसमें, तो बहुत सारे बहुत सारे नहीं है, इसमें कुछ है शायद, कुछ है फिर भिजवाया किसने, लेकिन ये तो गुल टाइप होगा इसका, अनुचल आया है, अनुचल लिखा हुआ है, तो ये कोई व्लॉग से आया, देखो लिखा होगा यहाँ पे, प्रशांत भाई ने भिजवाया होगा। एक सेकेंड, कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रशांत भाई की तरफ से है, स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, होप यू लाइक इट फ्रॉम प्रशांत। अरे अरे ये प्रशांत भाई ने भिजवाया है, कुछ मेरे को ऐसा कुछ भाई, एक और गिफ्ट है, मेरे लिए आया यार ये, 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 ये। अरे बैग यार, कितना सुंदर है और कलर देख रहा है, कितना प्यारा है भाई, बहुत प्यारा बैग है भाई, सरप्राइज गिफ्ट यार, कितना अच्छा बैग, सीरियसली बढ़िया लग रहा है, पाउच भी है इसके अंदर, कितने सारे पाउचेस हैं, अरे वाओ बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो छोटा मिनी बॉल है, मैं जेलस फील कर रहा हूँ भाई, अनु फीलिंग जेलस, और बहुत सही है भाई, बहुत सही है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये है इसकी बेल्ट है इसकी, हाँ इसकी बेल्ट है भाई, गिफ्ट बहुत अच्छा यार, प्रशांत भाई थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है आपने मुझे भाई, ये जिसके भी गिफ्ट आते हैं मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अगर उनमें कुछ मैसेज होते हैं, क्योंकि गिफ्ट तो बहुत सारे आते हैं लेकिन मैसेज बहुत कम में होता है, तो ये वाला भी मैंने यहाँ पे चिपका दिया, बाकी गिफ्ट वो रखा वहाँ पे, मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। सो गाइस, जैसे कि अभी अभी मुझे एक गिफ्ट रिसीव हुआ था प्रशांत भाई की तरफ से, उन्होंने मुझे बैग भेजा है गिफ्ट में, और वो बैग बहुत प्यारा लगा है मुझे, बहुत प्यारा है, थैंक यू प्रशांत भाई, मैं बोल देती हूँ आपको थैंक यू। जब अनु कर रहा था अनबॉक्सिंग, इस आदत है इसको, चाहे गिफ्ट मेरे लिए आए चाहे इसके लिए आए, अनबॉक्सिंग करने की आदत इसको ही है, तो अभी मैंने वो पूरा प्रॉपर से देखा है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत अच्छा कलर वगैरह सब कुछ, थैंक यू वंस अगेन। और अभी देखते हैं अनु क्या कर रहा है, देखते क्या, बहुत देर से लैपटॉप में लगा हुआ है, दिखाती हूँ क्या कर रहा है ये लड़का। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो अनु? मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें, जैसे कि, जैसे कि मैं फ्यूचर में सुपर बाइक लूंगा मोटर ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं वही सर्च कर रहा हूँ कौन सी बाइक लूँ, मतलब सर्च तो मैंने कर ली कि मेरे को हाईबूजा लेनी है, लेकिन भाई वो इतनी ज्यादा महंगी है, और मैं सब कुछ सर्च कर रहा हूँ, उसका सर्विस कॉस्ट कितने किलोमीटर पे क्या होता है, मोटर ब्लॉगिंग के लिए, मोटर ब्लॉगिंग के लिए पहले मैं सोचा था कि मैं हार्ले वगैरह की कोई मतलब बाइक ले लूँ, लेकिन वही है ना यार, बहुत ज्यादा क्रूजर मेरी पर्सनालिटी पे सूट भी नहीं करेंगी, वो बहुत ज्यादा मतलब मोटे जो लोग होते हैं ना, हफ्सी टाइप से, ठीक है यार, मजे ले रहा हूँ यार, जो मतलब ऐसे हैवी से लोग होते हैं उनके लिए वो क्रूजर बनी हुई है, हम जैसे के लिए तो भाई स्पोर्ट्स बाइक ही ठीक है, क्योंकि हमारा जो फेस है ना वो बच्चों वाला है, तो हमें जो है ना वो स्पोर्ट्स बाइक ही सूट कर सकती है। रही बात हायबूसा की, ठीक है, अभी तो मैं यार सारी वीडियोस चेक कर रहा हूँ, सारी कर ली है वैसे मैंने, और कुल मिला के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ दोस्तों कि जो सुपर बाइक अगर आप लेना चाह रहे हो, तो भाई जैसे मान लो देखो हायबूसा है वो 15 से 16 लाख के बीच में लोग बताते हैं नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हो तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड हैंड जो बाइक है जरूरी नहीं है कि वो 5 या 6 लाख की, कम से कम भाई 9 लाख से स्टार्ट होगी अच्छी कंडीशन की, अच्छी कंडीशन से मेरा मतलब करोल बाग नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ करोल बाग नहीं है, ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली में 3 ब्रांड्स हैं, ठीक है, 3 ब्रांड्स आप जानते हो, नहीं जानते तो बता देना, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, उनसे आप बाइक ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं क्रूजर प्लेनेट की बात करूँ तो वो एक जेन्युइन ब्रांड है, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, 3 ब्रांड है दिल्ली के अंदर जिनमें से एक वो भी है, तो वहां पे भी मैं सर्च कर रहा था, लेकिन मैंने सब मतलब इतनी सारी मैंने वीडियोस देख ली, लेकिन कुल मिला के जो मुझे लास्ट में पता चला वो ये पता चला, जो मतलब मैंने सोचा कि भाई अगर हम एक एक पैसा जोड़ के 9-10 लाख रुपए करके एक बाइक लेते हैं तो भी वो इनफ नहीं है, अपनी इनकम इतनी रखो, इतनी मेहनत करो कि भाई आप उसका, अगर तुम हाथी पाल रहे हो तो उसकी सर्विस वगैरह जो है मतलब उसका खर्चा उठा सको, क्योंकि हर 6 किलो मतलब 6 या 9 किलोमीटर पे, ठीक है, उस बाइक का आपको सर्विस करानी है, टायर चेंज कराने हैं, तो जो आपका खर्चा आएगा वो ऐसे ही आएगा, हालांकि आपको देखो जब सुपर बाइक, आप किसी सुपर बाइक पे बैठते हो, मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, मैं उसमें बैठूंगा कोई मुझे देखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं वहीं अपनी 10 लाख की सुपर बाइक पे बैठ जाऊंगा ना तो दुनिया मुड़ के देखेगी, तो रिएक्शन लेने में मजा आता है, जो मिडिल क्लास बॉय होता है उसका भाई ये सपना होता है कि भाई लोगों को थोड़ा अटेंशन दे उसकी तरफ लोग, ठीक है, लेकिन भाई उस चीज से फायदा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आप 9 लाख की कोई बाइक लेना चाहते हो, आपने 9 लाख रुपए का जुगाड़ कर लिया, आप बाइक लेके आ गए, अब आप पे तेल का खर्चा नहीं निकल रहा, ठीक है, अब आप पे टायर चेंज नहीं हो रहे उसके, तो भाई उस हिसाब से फिर आपकी टेंशन आ जाएगी, दिमाग में उसकी किस्त नहीं जा रही, तो भाई इतनी मेहनत करनी है कि भाई सब कुछ ईजिली हो जाए, फ्री माइंडेड ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ मैं, जो मोटर ब्लॉग करना चाहता हूँ, तो भाई अब देखते हैं
ये सारा सपना इस साल पूरा होगा, अगले साल होगा, 3 साल बाद होगा, 4 साल बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर कहाँ सपना हो रहा है, करवा दो। तो भाई जैसे कि इसने बता दिया कि क्या सर्च कर रहा था, इसका सपना क्या है, तो विश करते हैं इसका सपना पूरा हो, जल्दी पूरा हो इसका सपना। आप लोग प्यार दो, इतना इतना सपोर्ट करो कि अन्नू है अनु जल्दी से अपना सपना पूरा कर ले। और मैं भी यही चाहती हूँ भाई इसका सपना पूरा हो जाए, क्योंकि इसका सपना पूरा होगा तो ये मेरे सपना। बाइक मैंने वैसे भी बहुत सारी सर्च किए हैं, ये नहीं है कि मैं पहली बार वीडियो देख रहा हूँ, पूरे हफ्ता मेरे को हो चुका है इन सारी चीजों को करते हुए, ठीक है, बहुत सारी बाइक सर्च करी है। लेकिन कुल मिला के जो मैंने नोटिस करा है ना भाई, जो पब्लिक अटेंशन देती है ना इंडिया में मैं बोल रहा हूँ, हायाबुसा को ही देती है। मैंने हर व्लॉग में, हर वीडियो में, चाहे बाहर की हो चाहे यहाँ की हो, सारी वीडियो मैंने देखी है, जो अटेंशन हायाबुसा को मिलती है ना, वो साला और किसी सुपर बाइक को मिलती नहीं है। रीजन 2005-07 पता नहीं कब आई थी, वो जो जोन ने मूवी बना दी थी धूम, उसमें हायाबुसा यूज कर ली थी। तो आधे लोग जो स्पोर्ट्स बाइक को जानते हैं वो हायाबुसा के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़े रूरल एरिया की, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं कोई स्पोर्ट्स बाइक लेके चला जाऊंगा, एग्जाम्पल कि मैं हायाबुसा नहीं लेके जा रहा, ठीक है, मैं डुकाटी में कुछ भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक लेके आ रहा हूँ, तो ये पूछते हैं भैया ये हायाबुसा है ना, तो मतलब जो मेंटेलिटी है लोगों की यही है कि भाई जो स्पोर्ट्स बाइक है वो यही हायाबुसा है, तो ज्यादा अटेंशन मिलती है हायाबुसा पे लोगों को। यहाँ पे दिन भी भाई हमारी सुपर बाइक आएगी, दोनों भाई चलेंगे हम, तू पीछे बैठियो, ठीक है, मैं आगे। इसको इस तरह से बांधा हुआ है अभी क्योंकि वहां पे काम हो रहा है उस जगह सामने, ठीक है, तो उसको बांधा हुआ है क्योंकि ये भाई काम करने नहीं देते हमारे भाई। इसे कोई गलत फहमी होगी है, कह रही है तो मेरे में ज्यादा ये है हुए आज मैं पंजे मराऊंगी, तो भाई इसने कोई नया चैलेंज दे कर मैं पंजे मराऊंगी तुम्हें, ठीक है, तो देखते हो भाई कितनी फाइट तो होती रहती है हमारी। अभी फिलहाल आज हम करने वाले हैं पंजा लड़ाने वाले भाई, मेरे तो हाथ पतले पतले हो चुके हैं, मैंने जिम छोड़ दिया, बाकी देखते हैं कितनी जा रहे हैं, मतलब क्या क्या चाह रही है, सोच के इसने मुझे चैलेंज, ठीक है, क्या सोच के, चलो भाई स्टार्ट करता है आज से, जान देखते हैं कितनी रहने की दो चांस देते हैं यार, चलो भाई ठीक है तुम दो ले लो, चलो और मैं ऐसे हाथ यहाँ रखो, दूसरा यार नीचे पड़ रहा है मेरा हाथ है, हाथ नीचे पड़ रहा है, क्या बात है, वो दो यार कुछ क्या चाहिए, पीछे से कुछ लगा लो, ये क्या है, ये तो सपोर्ट हो जाएगा ना इसमें, फिर ये तो सपोर्ट हो रही है, ऐसे तो ये मेरे को चुभ रहा है, ये चलो भाई 1 2 यहाँ तरफ दो हाथ, अरे क्या कर रही हो, किया डबल हाथ लगा ये फिर रुक जाओ, फिर मेरे को भी वो दो, फिर मेरे को भी वो दो यार, मेरे चुभ रहा है ऐसे, तो चलो ठीक है नहीं लगा दो हाथ, हाँ फिर ठीक है ना, चलो 1 2 3 चलो भाई, गाइस देखते हैं भाई ये कौन सा दिखा रही है मुकाबला, क्या हो गया यार भाई, दूसरी टर्न है, मैंने क्या चीटिंग करी है इसमें, अच्छा ठीक है मैं इतना, तुम इतना मैं बोल दो ना कि मैं तुम्हारे इस वाले हाथ से भी थोड़ा हेल्प ले सकूं, तो फिर मेरे को पिलो दे दो ना, फिर लगा देना दोनों, क्योंकि मेरे को गड़ रहा है ना ये टेबल थोड़ी, पहले मैं हार गई तो चलो आप अब लगा लो, चलो दो, चलो भाई चलो, भाई दो हाथ एक मुंह 3 दांत, लो भाई ये देख लो पंजे लग रहे हैं, मुंह का गुस्सा मारूंगा, हार गई है चैलेंज हार गई है भाई, लॉकडाउन लग चुका है यार, अभी मैं हूं बाहर से आइसक्रीम लेके, और मतलब अभी 10 बजे से लॉकडाउन है, हालांकि वैसा लॉकडाउन नहीं है लेकिन मास्क की बहुत ज्यादा चेकिंग है, तो भाई जब बाहर जाओ तो मास्क जरूर पहन लेना भाई, देखो बाहर से मैं इसको छू रहा हूं, ओए एक बार सुनो फोन आ रहा है तुम्हारा, भाई मैं लाइव सुनूंगा क्या हो रहा है, चलो तो भाई अभी यार देखो व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है आइसक्रीम लेके आया वो दिखा देता हूँ, पहले बहुत मेहनत से लाया भाई, यहाँ पुलिस चेकिंग, हाँ मेहनत से लाया, यहाँ पुलिस थी मास्क पहन के गया था बढ़िया तरीके से, वो चुंडा सा ऐसे लगा रखा था कि आ जा भाई तू जा रहा तू जरा कोरोना नहीं, अब करूंगा ना मैं ब्लॉग बना था, जा कोरोना खा जाए सूरज को, आपने देखी हुई है इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक थी, अब खाली ये रह गई छोटी सी, बाकी चॉकलेट्स रखी हुई है, और यहाँ पे भैंस के आके कैसे खुलता है, मेरे को तो खोलना भी नहीं आता है, ऊपर उठता है क्या, ओके ये आइसक्रीम रखी हुई है यहाँ पे, बस यही मिली थी यार अभी मैं ये लेके आ गया, हालांकि जो घर का नीचे वाला फ्रिज है उसमें आपको सब्जियां देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन हमारे में तो ये सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं तो गला सूखता है। इस वाले व्लॉग का रखते हैं इतना, मैं ज्यादा बाहर जा नहीं पाया, दिखा नहीं पाया ज्यादा बाहर का, क्योंकि मैं इतना गया नहीं था, खाली आइसक्रीम लेने गया था, पूरा दिन आज मैंने रूम में निकाल दिया, तो मुझे लगा कि भाई ये रूम में पूरा दिन निकाला तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, हर बार कभी गाड़ी कभी यहाँ कभी वहाँ बाहर का ही देख रहे हो ज्यादातर व्लॉग आप हर बार, लेकिन मैंने सोचा यार इस बार जो व्लॉग होगा वो रूम का ही दिखा देता हूँ, हमने कहा था घर का ही दिखा देता हूँ, तो इस वाले व्लॉग को प्यार देना, यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगला व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा पता नहीं कब, कल वाल जब भी मिले, और गुड बाय, चेक किया ध्यान रखो अपना, प्यार दो व्लॉग को, गुड बाय गाइस।